स्वागत है आपका आदर्श क्रांति परिवार में। आज हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले ज्योतिराव गोविंदराव फुले के बारे में। महात्मा ज्योतिबा फुले को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। अछूताव द्वार, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के हित के लिए ज्योतिबा ने उल्लेखनीय कार्य किया है। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था और जीवन यापन के लिए बाग बगीचों में माली का काम करता था। ज्योतिबा जब मात्र एक वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया था। ज्योतिबा का लालन पालन सगुनाबाई नामक एक दाई ने किया। सगुनाबाई ने ही उन्हें माँ की ममता और दुलार दिया। 7 वर्ष की आयु में ज्योतिबा को गाँव के स्कूल में पढ़ने भेजा गया। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही। सगुनाबाई ने बालक ज्योतिबा को घर में ही पढ़ने में मदद की। घरेलू कार्यों के बाद जो समय बचता उसमें वह किताबें पढ़ते थे। ज्योतिबा पास पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों में चर्चा करते थे। लोग उनकी सूक्ष्म और तर्कसंगत बातों से बहुत प्रभावित होते थे। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए काफी काम किया। उन्होंने इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकालवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। पेशवाई के अस्त के बाद अंग्रेजी हुकूमत की वजह से हुए बदलाव के छोटी सर 1840 के बाद दृश्य स्वरूप आया। हिंदू समाज के सामाजिक रूढ़ परंपरा के खिलाफ बहुत से सुधारक आवाज उठाने लगे। इन सुधारकों ने स्त्री शिक्षण, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, सन्मति व्यय, बाल विवाह आदि सामाजिक विषयों पर लोगों को जगाने की कोशिश की। लेकिन 19वीं सदी के ये सुधारक हिंदू परंपरा के वर्ग में अपनी भूमिका रखते थे और समाज सुधारना की कोशिश करते थे। महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने भारत के इस सामाजिक आंदोलन से महाराष्ट्र में नई दिशा दी। उन्होंने वर्ण संस्था और जाति संस्था, ये शोषण की व्यवस्था है और जब तक इनका पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक एक समाज की निर्मिति असंभव है, ऐसी स्पष्ट भूमिका रखी। ऐसी भूमिका लेने वाले वो पहले भारतीय थे। जाति व्यवस्था निर्मूलन के कल्पना और आंदोलन के उसी वजह से वो जनक साबित हुए। महात्मा फुले, इन्होंने अछूत स्त्रियों और मेहनत करने वाले लोग, इनके बाजू में जितनी कोशिश की जा सकती थी उतनी कोशिश जिंदगी भर फुले ने की है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन, ब्रह्मोत्तर आंदोलन, बहुजन समाज को आत्मसम्मान देने की, किसानों के अधिकार की ऐसी बहुत सी लड़ाइयों को प्रारंभ किया। सत्यशोधक समाज ये भारतीय सामाजिक क्रांति के लिए कोशिश करने वाली अग्रणी संस्था बनी। महात्मा फुले ने लोकमान्य तिलक, आगरकर, न्या, रांडे, दयानंद सरस्वती, इनके साथ देश की राजनीति और समाजकारण आगे ले जाने की कोशिश की। जब उन्हें लगा कि इन लोगों की भूमिका अछूत को न्याय देने वाली नहीं है, तब उन्होंने उन पर टीका भी की। यही नियम ब्रिटिश सरकार और राष्ट्रीय सभा और कांग्रेस के लिए भी लगाया हुआ दिखता है। महात्मा फुले ने अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले को पढ़ने के बाद 1848 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए भारत की पहली कशाला खोली। 24 सितंबर 1873 को उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वह इस संस्था के पहले कार्यकारी व्यवस्थापक तथा कोषपाल भी थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज में शूद्रों पर हो रहे शोषण तथा दुर्व्यवहार पर अंकुश लगाना था। महात्मा फुले अंग्रेजी राज के बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे, क्योंकि अंग्रेजी राज की वजह से भारत में न्याय और सामाजिक समानता के नए बीज बोए जा रहे थे। महात्मा फुले ने अपने जीवन में हमेशा बड़ी ही प्रबलता तथा तीव्रता से विधवा विवाह की वकालत की। उन्होंने उच्च जाति की विधवाओं के लिए 1854 में एक घर भी बनवाया था। दूसरों के सामने आदर्श रखने के लिए उन्होंने अपने खुद के घर के दरवाजे सभी जाति तथा वर्गों के लोगों के लिए हमेशा खुले रखे। ज्योतिबा मैट्रिक पास थे और उनके घर वाले चाहते थे कि वो अच्छे वेतन पर सरकारी कर्मचारी बन जाए, लेकिन ज्योतिबा ने अपना सारा जीवन दलितों की सेवा में बिताने का निश्चय किया था। उन दिनों में स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि घर के कामों तक ही उनका दायरा था। बचपन में शादी हो जाने के कारण स्त्रियों के पढ़ने लिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दुर्भाग्य से अगर कोई बचपन में ही विधवा हो जाती थी तो उसके साथ बड़ा अन्याय होता था। तब उन्होंने सोचा कि यदि भावी पीढ़ी का निर्माण करने वाली माता ही अंधकार में डूबी रहेगी तो देश का क्या होगा, और उन्होंने माताओं के पढ़ने पर जोर दिया था। उन्होंने विधवाओं और महिला कल्याण के लिए काफी काम किया था। उन्होंने किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के भी काफी प्रयास किए थे। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा को लिए ज्योतिबा और उनकी पत्नी ने मिलकर 1848 में स्कूल खोला, जो देश का पहला महिला विद्यालय था। उस दौर में लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई को पढ़ाना शुरू कर दिया और उनको इतना योग्य बना दिया कि वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा सके।
ज्योतिबा यह जानते थे कि देश व समाज की वास्तविक उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक देश का बच्चा बच्चा जाति पांति के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता, साथ ही देश की नारियां समाज के प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार नहीं पा लेती। उन्होंने तत्कालीन समय में भारतीय नवयुवकों का आह्वान किया कि वे देश समाज संस्कृति को सामाजिक बुराइयों तथा अशिक्षा से मुक्त करें और एक स्वस्थ सुंदर सुदृढ़ समाज का निर्माण करें। मनुष्य के लिए समाज सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इससे अच्छी ईश्वर सेवा कोई नहीं। महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार के पिता समझे जाने वाले महात्मा फुले ने आजीवन सामाजिक सुधार हेतु कार्य किया। वे पढ़ने लिखने को कुलीन लोगों की बबौती नहीं मानते थे। मानव मानव के बीच का भेद उन्हें असहनीय लगता था। दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज स्थापित किया। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई हाईकोर्ट से भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। वे लोकमान्य के प्रशंसकों में थे। इनका सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य महिलाओं की शिक्षा के लिए था और इनकी पहली अनुयायी खुद इनकी पत्नी थी, जो हमेशा अपने सपनों को बांटती थी तथा पूरे जीवन भर उनका साथ दिया। अपनी कल्पनाओं और आकांक्षाओं के एक न्याय संगत और एक समान समाज बनाने के लिए 1848 में ज्योतिबा ने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। ये देश का पहला लड़कियों के लिए विद्यालय था। उनकी पत्नी सावित्रीबाई वहां अध्यापन का कार्य करती थी, लेकिन लड़कियों को शिक्षित करने के प्रयास में एक उच्च अशोचनीय घटना हुई। उस समय ज्योतिबा को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि इस तरह के दबाव और धमकियों के बावजूद भी वो अपने लक्ष्य से नहीं भटके और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे और इसके खिलाफ लोगों में चेतना फैलाते रहे। 1851 में इन्होंने बड़ा और बेहतर स्कूल शुरू किया जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। वहां जाति धर्म तथा पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था और उसके दरवाजे सभी के लिए खुले थे। ज्योतिबा फुले बाल विवाह के खिलाफ थे, साथ ही विधवा विवाह के समर्थक भी थे। वे ऐसी महिलाओं से बहुत सहानुभूति रखते थे जो शोषण का शिकार हुई हो या किसी कारणवश परेशान हो, इसलिए उन्होंने ऐसी महिलाओं के लिए अपने घर के दरवाजे खुले रखे थे जहां उनकी देखभाल हो सके। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया था। यह बच्चा बड़ा होकर एक डॉक्टर बना और इसने भी अपने माता पिता के समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाया। मानवता की भलाई के लिए किए गए ज्योतिबा के इन निस्वार्थ कार्यों के कारण मई 1988 में उस समय के एक और महान समाज सुधारक राव बहादुर विठल राव कृष्णाजी वांदेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। जुलाई 1988 में उन्हें लकवे का अटैक आ गया, जिसकी वजह से उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उनका जोश और मन कभी कमजोर नहीं हुआ था। 27 नवंबर 1890 को उन्होंने अपने सभी हितेशियों को बुलाया और कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने जीवन में जिन जिन कार्यों को हाथ में लिया है उसे पूरा किया है। मेरी पत्नी सावित्री ने हरदम परछाई की तरह मेरा साथ दिया है और मेरा पुत्र यशवंत अभी छोटा है और मैं इन दोनों को आपके हवाले करता हूँ। इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू आ गए और उनकी पत्नी ने उन्हें संभाला। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले ने देह त्याग दिया और एक महान समाज सेवी इस दुनिया से विदा हो गया।